सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भगवान की अनंत कृपा हम आप सबके ऊपर निरंतर वृष्टि कर रही है, नहीं तो आज संसार में कहाँ किसको फुर्सत है कि श्री वृंदावन धाम में चल करके बैठेंगे सत्संग श्रवण करेंगे। ये कृपा ठाकुर जी की है जो आपके हृदय में इससे सदविचार जन्म लेते हैं। भक्तों, सत्संग के सीमित समय ही मिलते हैं हर उत्सव में, इसलिए साधकों के बहुत सारे प्रश्न जिज्ञासा पत्र के रूप में मेरे सम्मुख आते हैं। अब वो एक दो तो हैं नहीं, प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन उत्तर सबका सुना। साधना के विविध रूप के विषय में अभी एक भक्त ने पूछा कि गणेश जी पर तुलसी अर्पण करते हैं कि नहीं, भोग लगाते हैं तो। और श्रीकांत दास ने मर्यादा के विषय में जानना चाहा। महाराज जी जानना चाहते हैं तिलक के विषय में। और एक प्रश्न उनका और है जिज्ञासा का कि पलटू दास संत के विषय में निर्गुण निराकार वाले थे कि सगुण साकार वाले थे, थोड़ा बताया जाए। और तपसी जी की छावनी की चर्चा थोड़ी सी कल हम कर रहे थे, तो महाराज जी ने कहा कि जो अयोध्या जी में तपसी जी की छावनी, साधु लोग जानते हैं, तो उसके विषय में बताएं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। एक प्रश्न मनु जी ने किया, दिल्ली से आए हैं, कि नामदेव जी को भगवान तो बचपन से ही प्राप्त हो गए थे, फिर उनको गुरु की क्या आवश्यकता थी कि वो गुरु खोजने के लिए गए। ऐसे उदाहरण के रूप में मैंने 5-7 प्रश्न सुनाया। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सब को हम समाहित कर लेंगे सत्संग में, उन सब का समावेश किया जाएगा। देखिए, ठाकुर जी ने मनुष्य का जो जीवन दिया है वास्तव में अनंत सृष्टियों के बाद ये हुआ। और जो प्रतिभाएं, जो शक्तियां, जो विशेषताएं इस मनुष्य शरीर में मिली वो किसी भी अन्य योनि में नहीं। और इसका इतना बहुमुखी विकास हुआ इसकी प्रतिभा का कि कोई ज्ञान मार्ग से साधना करता है, कोई कर्म मार्ग से साधना करता है, कोई भक्ति मार्ग से साधना करता है, कोई संगीत की विधाओं से भगवान की आराधना करता है, कोई जप करके करता है, कोई ध्यान करके करता है, कोई तप करके करता है। और उन सब की महिमा है, किसी की महिमा ऐसा नहीं कि नहीं हो। यद्यपि कहीं कहीं इनका सोपान भी बतलाया गया है, पूजा कोटि समम स्तोत्रम स्तोत्र कोटि समम जपह, जप कोटि समम ध्यानम ध्यानम कोटि समम लय, ऐसे इसका क्रम भी बताया गया है कि उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर आगे, जैसे पूजा से स्तोत्र पाठ की महिमा ज्यादा है। स्तोत्र अर्थात भगवान की प्रार्थना, स्तोत्र माने प्रार्थना होता है, स्तोत्र से ज्यादा जप की महिमा है, जप से ज्यादा कीर्तन की महिमा है, और कीर्तन से ज्यादा ध्यान की महिमा है। लेकिन गीता जी का 12वां अध्याय आप पढ़ लीजिए तो वहाँ भगवान ने कहा ध्यानात् कर्म फल त्यागस
त्यागा शांतिरनंतरम। कृपा करके मुझे क्षमा करिएगा ध्यान करने वाले लोग, मैं आपका कटाक्ष नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन गीता जी में भगवान के शब्द सुना रहा हूँ। गीता जी के 12वें अध्याय में भगवान ने कहा है, ध्यानात कर्म फलत त्यागस त्यागात शांतिरनंतरम। जो ध्यान पूजा से श्रेष्ठ है, जो ध्यान स्तोत्र से श्रेष्ठ है, जो ध्यान जप से श्रेष्ठ है, जो ध्यान कीर्तन से श्रेष्ठ है, उस ध्यान से भी आगे भगवान गीता जी के 12वें अध्याय में कह रहे हैं, ध्यानात कर्म फलत त्यागात त्याग शांतिरन। यदि कोई वास्तव में ऐसा भगवान का भक्त है जो सच्चा निष्कामी हो, तो वो ध्यान योग से भी ऊंची अवस्था में पहुंचे। लेकिन इसका अभिप्राय अर्था ऐसा आप लोग नहीं निकालना कि अब तो निष्काम बनने के लिए कोशिश करेंगे, अब जप भी नहीं करेंगे, ध्यान भी नहीं करेंगे, कीर्तन भी नहीं करेंगे, भगवान की प्रार्थना भी नहीं करेंगे, ऐसा उल्टा अर्थ नहीं निकालना। आप जो कर रहे हो, गुरु प्रदत्त मार्ग से जो चल रहे हो, जप ध्यान कीर्तन भजन पूजा, वो छोड़ना नहीं है, लेकिन ये समझना कि आप किसी को छोटा मत समझो। बस यही मेरी प्रार्थना है, किसी को छोटा मत। जो अपने साधना का ही दुराग्रह करता है, आग्रह नहीं दुराग्रह, दुराग्रह और आग्रह में थोड़ा अंतर है। आग्रह से भी अच्छा होता है प्रार्थना, मतलब निवेदन। आग्रह का तात्पर्य होता हठ, हठ करना मतलब आग्रह करना, और दुराग्रह का मतलब होता हिंसापूर्ण हठ, नहीं मानोगे तुम ये कर दूंगा, इसको क्या कहते हैं दुराग्रह। भैया वो उसकी साधना भले ही ठीक रही हो, लेकिन यदि दुराग्रह बढ़ता गया तो वही आतंकवादी हो जाता है। लेकिन इस तरह के लोग भी नास्तिक न होते हुए भी अपनी साधना के कट्टरवादी शब्द आपको समझ में आ जाएगा, दुराग्रह शब्द समझ में नहीं आएगा। दुराग्रह शब्द जरा कठिन था, कट्टरवादी होते जाते हैं, और कट्टरवादी होते होते फिर दूसरी साधना वालों को हीन बताकर दबा करके उनका तिरस्कार करने लग जाते हैं। मैं एक थोड़ा सा मैटेरियलिस्टिक युग की बात आपके सम्मुख रख रहा हूँ, कई लोग मुझसे उस ज़्यादा उस बात को शायद जानते हैं, मैं केवल याद करा रहा हूँ आपको। जेनेवा में अभी थोड़े दिन पहले एक टनल बनी थी ना, 27 किलोमीटर की टनल बनाई गई थी जेनेवा में, और साइंटिस्टों ने उसमें एक अलोडन किया था, और बाद में कहा था हमने गॉड पार्टिकल पाद, हमने गॉड पार्टिकल प्राप्त कर लिया। वो मशीन का नाम हमको नहीं याद है, शायद आप लोग कोई जानते होंगे, किसी को याद हो तो बताओ उस मशीन का क्या नाम। तो जेनेवा में वो जो मशीन बनाई गई थी 27 किलोमीटर की, उसमें साइंटिस्टों ने जो आलोचना किया तो बोले हम गॉड पार्टिकल को प्राप्त कर लिए। भैया जेनेवा वाले साइंटिस्टों की मैं बुराई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी अपने ज्ञान के अनुसार गॉड पार्टिकल को ही तो खोज रहे थे, भगवान की सत्ता को ही तो खोज रहे थे। लेकिन उन बेचारों को ये नहीं पता है कि इस भारतवर्ष में अनंत ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने गॉड पार्टिकल ने गॉड को ही प्राप्त किया। गॉड पार्टिकल उन्होंने प्राप्त किया उस मशीन में, 27 किलोमीटर की मशीन में, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा। तो मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्य उनका भी था कि भगवान की शक्ति जमे प्राप्त करनी है। हमारे यहाँ ऋषियों को प्राप्त हुए ठाकुर जी पूरा का पूरा पार्टिकल नहीं, पार्टिकल मतलब क्या होता है एक टुकड़ा, ठाकुर जी पूरे पूरे मिले यहाँ वृंदावन धाम में, अयोध्या में और अनंत जगह पर संतों को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उद्देश्य भगवान का रहता है, तो साधना जिस प्रकार से आप करते हो उसमें धीरे धीरे आपका भाव बढ़ता चला जाता है, और जब भाव बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, तो क्या साधना कभी भार लगती है? नहीं, भार तो तभी लगती है जब प्रेम से साधना नहीं की जाती है। स्वामी राम तीर्थ एक बार बद्रीनाथ की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक 12-13 साल की लड़की है,
जो अपने 5 साल के भाई को कंधे पर पीठ पर लादे हुए चल बेचारी उतारती थक जाती फिर ला देती। और महाराज जी स्वामी रामतीर्थ तो बड़े महान पुरुष थे, उन्होंने कहा बिटिया तू छोटी लड़की है 12-13 साल की लड़की है, ये बोझ हमको दे दे, ये बोझ जो है थोड़ा मैं तेरा ढोर देता हूँ। वो रुक कर बोली बाबा ये बोझ नहीं है, मेरा भैया है जो जिसको आप बोझ समझ रहे हो, ये बोझ नहीं है मेरा भैया है, चाहे मुझे 1000 बार उतारना लादना पड़े मैं कोई ठकने वाली हूँ, मैं तो लेके चढ़ूंगी ऊपर। ऐसे ही जब गुरु प्रदत्त साधना ध्यान की कीर्तन की जप की पूजा की आपको दी जाती है तो ये भक्ति है तो आप भाव से करते हो, आपका मन नहीं हटता थकते नहीं हो, और जो प्रेम नहीं है तो अरे ठाकुर जी के इतने स्वरूप मंदिर में आ गए किसको किसको नहलाऊं मैं, अरे दूसरा कोई नहला देना हमारे पास इतना फुर्सत नहीं, न जाने कहाँ से इतने ठाकुर जी लाके इकट्ठे कर दिए हमारे मंदिर में आजकल आ गए, इसलिए याद आ गया मुझे इसलिए याद आ गया कि हमारे मंदिर में ठाकुर जी न जाने कहाँ कहाँ के मेहमान गेस्ट बन करके आए वृंदावन का भोग खाने के लिए। तो अच्छा इसी तरह से जप करना हो तो गुरु जी ने बताया 64 माला जप करना। अब वो कह रहे हैं गुरु जी ने तो ऐसा कर दिया कि मेरा खाना पीना भजन काम धंधा सब छूट गया, केवल भजन ही करते रहे। लेकिन यदि प्रेम है तो जैसे उस लड़की को अपना छोटा सा भाई भार नहीं लगता, लाद के चलती है, खुश होकर चलती है, ऐसे ध्यान भी करोगे जप भी करोगे भजन भी करोगे साधना भी करोगे तो भक्तों श्रद्धा बढ़ती जाएगी। गीता जी के 9वें अध्याय में भगवान ने एक विचित्र बात कही है, यदि आपकी श्रद्धा बढ़ती जाती है एप्यन्य देवता भक्ताय जन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधि पूर्वकम्। 9वें अध्याय का श्लोक है, अनन्यास चिंतयंत वाला श्लोक 22वां नंबर का, उसके 2 श्लोक नीचे है। एप्यन्य देवता भक्ताय जन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। अरे अर्जुन श्रद्धा से भाव से मेरी भक्ति नहीं करके दूसरे की भक्ति भी जो करता है दूसरे देवता की करता है तो बाद में वो भक्ति मुझको ही मिल जाती है। आप कहोगे कैसे, आकाशात पतितो तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से पानी कहीं बरसे चाहे हिमालय के ऊपर चाहे नदी के ऊपर चाहे कहीं भी खेत खलियान में बरसे वो आखिर में जाकर के आकाशात पतितो तोयम यथा गच्छति सागरम, वो आखिर में समुद्र में जाता है सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। इसी तरह से किसी भी देवी देवता की पूजा करोगे अल्टीमेटली भगवान को यो मिलेगी जग। मैं महाराज आप लोग जरा समझने में गलती नहीं करना तो मैं अब एक अपनी बात बता दूं, लेकिन वो मेरे लिए आप उसकी महिमा नहीं सोच लेना, ये मैं सावधान कर रहा हूँ आपको। एक आज शायद वो जयपुर वाले आए नहीं, हेमंत जी नहीं आए हैं, वो पुस्तक लिख रहे हैं जो उसमें उन्होंने एक पंडा जी हैं गोवर्धन जी के उनका नाम है उद्धव जी, उन्होंने हेमंत जी को बताया मेरे विषय में कोई बात, वो उन्होंने हमसे पूछा, मैं उस समय कर्णवास रहता था, मुझे भूली बिसरी वो बात याद आ गई। हमने कहा बात क्या थी मैं बताऊं, एक अजमेर के सेठ जी, सेठ तो नाम था बहुत सच्चे भक्त और बहुत ही भक्त थे, वो वास्तव में भक्त थे, वो गोवर्धन आए, उनको किसी तरह से कानपुर के किसी भक्त के द्वारा ये मालूम हो गया था, कानपुर के किसी भक्त का पत्र अजमेर गया था, उसमें मालूम हो गया था कि मैं वृंदावन कर्णवास से आ रहा हूँ, वृंदावन 15 दिन रहूँगा, अब वृंदावन में कहाँ रहूँगा किस गली में किस आश्रम में किस धर्मशाला में कुछ नहीं मालूम। अब सेठ जी केवल ये कानपुर के भक्त का पत्र पढ़कर कि मैं 15 दिन वृंदावन में रहूँगा चल पड़े कि वृंदावन में महाराज जी के पास चलना, मेरे पास, मैंने महाराज जी बोल दिया जानबूझ अनजान में। अच्छा भाई तो फिर क्या हुआ, वो गोवर्धन आए, गोवर्धन उन्होंने सोचा चलो पंडा जी को ले लें, इनको वृंदावन में पता है सब कुछ कहाँ कहाँ है, ये पहुँच जाएंगे, मैं तो नहीं पहुँच पाऊँगा, पता नहीं कहाँ रुके हैं वो। अब उद्धव पंडा को लिया,
उद्धव ने कहा, अरे सेठ जी आप भी ऐसी बात करते हो, वृंदावन तो बहुत बड़ा है, हम क्या जानेंगे कहाँ पर रुके हैं महाराज जी, पता कुछ है? बोले पता तो कुछ भी नहीं। अब दोनों महाराज तांगा से उतर करके छठी करा से इधर आ करके अंग्रेज मंदिर से थोड़ा उधर, अब बड़े चिंता में बैठे कि अब कहाँ चलें, कहाँ खोजें, कुछ भी पता नहीं तुम्हारे पास, चले आए बस ढूंढने के लिए। और मैं रुका था सेवा कुंज के बगल में, एक छोटा सा मंदिर वहाँ रुका था। अब मैं सेवा कुंज से रोजाना सवेरे यमुना जी जाता था महाराज। अब मैं अपनी विशेषता नहीं बता रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ, ये भगवान की बात बता रहा हूँ। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति, सबकी सबको नमन किया हुआ आखिर नमन भगवान को जाता, वो बताने के लिए समझा रहा हूँ। ये पन्न्य देवता भक्ता जनते श्रद्धयान्विता, जो श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की भी उपासना करते हैं वो सबका फल भगवान के पास कैसे जाता है महाराज? हम ये तो नहीं जानते हैं कि उनकी श्रद्धा किस पर थी, लेकिन पता नहीं किस गलती से मेरे ऊपर बड़ी भारी श्रद्धा उनकी हो गई थी, सेठ जी की। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं, अब भगवान से भी कर रहे थे और हमसे भी कर रहे थे कि महाराज हमको मिल जाओ, हम तो आ गए यहाँ तक, अब मिल नहीं रहे हो आप। अब मुझे नहीं पता कि कहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन इतनी बात मैं बता रहा हूँ कि ठाकुर जी क्या लीला करते हैं, ठाकुर जी की लीला। मैं रोजाना वहाँ से निकल कर धर्मशाला से जाता था केसी घाट। मेरे मन में सवेरे सवेरे आया आज केसी घाट नहीं जाऊँगा, आज छठी करा रोड पर घूमने जाऊँ। और मैं उधर से चला अकेले, बिल्कुल अकेले, जो मेरे साथ थे मैंने कहा तुम लोग यहीं रहो, और मैं चल पड़ा। और चलते चलते जहाँ वो दोनों पंडा जी और सेठ जी बैठे थे इधर अंग्रेज मंदिर से भी बाहर, और दोनों बड़े चिंता में कि कहाँ जाएं खोजने, चले तो आए। मैं जाकर के उनके सामने खड़ा, मैं उनके सामने बिल्कुल सामने खड़ा हो गया और हैरान हो गया पंडा, अरे गुरु जी तो आ गए। और वो सेठ तो रोने लगा, बहुत जोर से रोने लगा। उसने कहा महाराज जी आपके पास कोई खबर दिया? हमने कहा कैसी खबर? बोले आपसे ही मिलने हम लोग आए हैं, पता नहीं था इसलिए परेशान थे भैया। हमने कहा मुझे तो कोई खबर नहीं, लेकिन पता नहीं ठाकुर जी कोई खबर रही होगी, उन्होंने भेज दिया होगा। अब मैं ये बता रहा हूँ, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है, इसमें विशेषता ठाकुर जी की है कि वो जैसे भी श्रद्धा आपकी बलवती हो तो प्रभु के पास पहुँचती है। देखो भाई भक्तों के प्रश्न में भूल जाऊंगा यदि अपना सुन, गणेश जी वाली बात मैं बता देता हूँ कि गणेश जी को भोग लगाया जाएगा तो तुलसी दल निवेदन नहीं किया जाता है, ये एकदम मना है। गणेश पुराण में, गणेश पुराण महापुराण नहीं है, उप पुराण है, गणेश उप पुराण में वो एक कथा वर्णन है जो पब्लिक में सुनाने में थोड़ा सा मर्यादा बिगड़ती है, तो उसका सार आप इतना समझ लीजिए कि तुलसी माता जी के ऊपर गणेश जी थोड़ा नाराज हो गए थे, सार बात यह है। तो उन्होंने कह दिया मेरे भोग में आप मत आना, तो इसलिए आपके काम की बात इतनी है कि गणेश जी के भोग में तुलसी दल अर्पण नहीं किया जाता। एक श्रीकांत दास ने प्रश्न किया मर्यादा की बात, भक्तों इस प्रश्न का उत्तर तो इतना बड़ा है कि घंटों लग जाएगा बताने में, लेकिन आगे तो 5-7 प्रश्न हैं, इसलिए थोड़ा मैं बता रहा हूँ थोड़े में। मर्यादा का तात्पर्य होता है सीमा रेखा का अतिक्रमण न कर, ये मैंने सार बात बताई आपको। मर्यादा शब्द का ही अर्थ है सीमा रेखा। हमारी जो वेशभूषा है, हमारी जो स्थिति है, उसके अनुसार जो हमारी एक सीमा रेखा है उसका उल्लंघन न करना, ये मर्यादा की रक्षा। अब भाई सूत्र में बताया, अब विस्तार करें तो कोई सीमा नहीं। अब देखिए प्रश्न किया एक साधु ने, इसलिए साधु की बात भी मैं बता देता हूँ, गृहस्थ की बता देता हूँ। गृहस्थ की बात यह है कि अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनका दुख देने वाली बात नहीं बोलनी चाहिए। अब साधु की बात बताएं तो बहुत लंबी बात है भैया, वो बताने में जरा लगेगा कि अपनी ही बात बताने लग गए।
साधु की बात ये समझो महाराज, निभाना मुश्किल। गुरु महाराज के सामने शिष्य को किस मर्यादा में रहना चाहिए वो बात आज कहना, सुनना, समझना बहुत को दूसरे के मुंह से ही सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे कहने से ऐसा लगेगा कि अपने लिए बताने लग गए। लेकिन पुरानी बात का उदाहरण मैं दे देता हूँ। कुछ संत लोग पुराने जमाने में से थे, गुरु महाराज जी खड़ाऊ पहनते थे तो शिष्य खड़ाऊ नहीं पहन, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं उल्टा कहते थे हमारे गुरु जी खड़ाऊ पहनेंगे, मैं नहीं पहनूंगा, मैं नंगे पहनूँ, ये क्या है मर्यादा। मैं इसमें किसी को आदेश नहीं कर रहा हूँ, आप उल्टा अर्थ नहीं निकालना। हमारे गुरु जी महाराज सिंहासन पर बैठते हैं, मैं सिंहासन, जैसे राम जी हमारे जमीन पर सोते हैं तो भरत जी कहते हैं मैं जमीन खोद कर गुफा। गुरु और शिष्य के बीच की मर्यादाएं बहुत हैं, मुझे उसे कहने में संकोच लगता है, सुनाता तो जरूर मैं लेकिन संकोच। अब वो धीरे धीरे आपको संतों के संग में रहने से पता चल जाएगा। इतना सार बात समझ लीजिए कि हमारे किसी शब्द से उनका अपमान न हो जाए, तिरस्कार न हो जाए, उनकी इज्जत बढ़े, ये गृहस्थ के लिए भी है, संत के लिए भी है, मर्यादा वाली बात। बोलने में, आचार विचार में, कपड़े पहनने में, एक अपनी सीमा जिसमें संदेह हो थोड़ा उस पर पूछा जा सकता है। अपने गुरुजी से पूछने में थोड़ा लग रहा है कि पता नहीं बताएंगे कि नहीं, तो और किसी गुरु भाई से या चाचा गुरु से, दादा गुरु से, काका गुरु से, ये बात थी। और महाराज तिलक वाली बात देखो, जहाँ भी संतों और भक्तों की कथा आती है, उनकी महिमा का वर्णन आता है, गीता जी में, रामायण में, किसी भी ग्रंथ में, तो संतों का तो विस्तार बहुत ज़्यादा है, लेकिन भक्तों की जब चर्चा होती है तो भगवान कहीं वेश की बात। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग का है, उसमें कहीं भी भक्त लक्षण में किसी किसी वेश, किसी वस्त्र, किसी तिलक, किसी कंठी, रुद्राक्ष की पहनो कि तुलसी की पहनो, ऊर्धपुंड लगाओ कि त्रिपुंड लगाओ, और पीला पहनो कि सफ़ेद पहनो, लाल पहनो या काला पहनो, ये सब कुछ नहीं, केवल उसके आचार विचार लक्षण रहनी सहनी जिसे साधुओं की बोली में कहा जाता है वो बताया है, वो आप गीता जी के 12वें अध्याय में पढ़ेंगे। अब संतों की बात मैं करूँ तो तिलक क्यों लगाते हैं, अब कई लोग पहले वाली बात जो अभी मैंने सुनाया बस उतने पर ही मैं रोक दूं तो कई लोग, अरे हमारे गुरुजी ने कहा था तिलक की कोई ज़रूरत नहीं, यदि पहले वाली बात पर मैं रोक दूं तो तिलक की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि तिलक हमारा वेश है, और जरा मॉडर्न लैंग्वेज में कहो तो यूनिफॉर्म कर लो, हमारा ये परिधान है, वेश है। जैसे अपने वेश में जब पुलिस रहता है, सिपाही रहता है, तो उसको अपनी ड्यूटी का ख्याल रहता है, और ड्रेस में नहीं है, वेश में नहीं है, तो बड़ी लापरवाही में रहता है, तब उसको ड्यूटी का ख्याल नहीं रहता। ऐसे ही साधु को भी अपनी कंठी माला तिलक वेश धारण इसलिए करना है कि जिससे वो ड्यूटीफुल रहे, अपने ड्यूटी का अर्थात कर्तव्य का ध्यान रखे। अब भाई इसमें भेद बहुत हैं तिलक में, अब तिलक के जो भेद हैं उसको मैं अभी समयाभाव से नहीं सुना पाऊंगा, जिसको और जानना हो बाद में मुझसे पूछ लेना, मैं विस्तार। और पलटू दास और तपसी जी की छावनी वाली बात महाराज जी ने पूछा। भक्तों, पलटू दास संत का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा, मैं जरा संप्रदाय का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ संप्रदाय में संतों के जीवन चरित्र को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया है, जहाँ बिगाड़ दिया गया है, और मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त माता को कुछ संप्रदाय के लोगों ने निर्गुणिया, निराकार की साधक कर दिया। मैं अब उनका नाम क्या लूँ, लेकिन मीराबाई तो जगत। ऐसे ही नानक जी भी राम जी के भक्त थे, और पलटू दास जी भी राम जी के भक्त थे, और पलटू दास जी तो जीवन में अधिकांश समय में अयोध्या में ही रहे, यदि राम जी की भक्ति नहीं होती तो अयोध्या में क्यों। और तपसी जी की छावनी की बात थोड़ी सी सुनाऊंगा। अयोध्या जी में प्रसिद्ध छावनी कौन कौन सी हैं,
आजकल सबसे प्रसिद्ध छोटी छावनी नित्य गोपाल दास जी महाराज जहाँ के महंत थे, पहले उसका नाम था मणिराम दास जी की छावनी। अब मणिराम दास जी की छावनी नाम हट गया, छोटी छावनी हो गया। क्यों? क्योंकि जिस समय मणिराम दास जी बाबा ने छावनी बनाई थी, छावनी क्यों कहते हैं अब ये भी समझ लो, छावनी तो कहते हैं जहाँ मिलिट्री रहती हो, जहाँ मिलिट्री रहती हो उसको छावनी बोला जाता है। तो संतों के आश्रम को छावनी क्यों कहते हैं? संतों के आश्रम को छावनी इसलिए कहा जाता है कि उस समय विधर्मियों का शासन, हमारे विधर्मी अर्थात पाश्चात्य मुगल जो हमारे यहाँ आक्रांति हो गए थे, आक्रमण किए थे, हिंसक हो गए थे, वो विधर्मी बड़े भारी विनाश करने वाले थे, हमारे धर्मस्थानों का विनाश करते थे। तो उन धर्मस्थानों की रक्षा के लिए किसके पास जाएं? राजा तो स्वयं भक्षक था, राजा तो स्वयं मुगल काल का था, उसको रक्षा करेगा नहीं। तो संतों ने इकट्ठे होकर के कुछ अपने भाले, बर्छी, तीर, कमान और मुगदर, तलवार, ये सब चलाना सीखा, और रक्षा के रूप में कुछ संतों को तैयार किया गया जो मोटे तगड़े थे और जो क्षत्रिय कुल के थे। हाँ, तो कुल का प्रभाव रहता है। ब्राह्मण कुल वाले को कहा जाए कि तुम तलवार लेकर रखवाली करना, वो कहेगा भैया हमारे बस का नहीं, वो रक्त में कुछ असर होता है। तो क्षत्रिय कुल के संतों को ये काम दिया गया, वैश्य कुल के संतों को हिसाब करने का काम दिया गया, और चतुर्थ वर्णाश्रमी लोगों को सेवा का कार्य दिया गया, और ब्राह्मण परिवार के जो संत लोग थे उन लोगों को कहा गया आप वास्तविक निर्देश जो चाहिए संतों के लिए उसका ख्याल से पालन करेंगे, करवाएंगे। तो बहुत विस्तार हो जाएगा इसलिए मैं थोड़े में बता रहा हूँ। तो छावनी इसलिए कहा जाता था। तो मणिराम दास जी की छावनी को छोटी छावनी क्यों कहा गया? क्योंकि उसके थोड़े दिन बाद अंग्रेजों की पलटन में बाबा रघुनाथ दास जी, रघुनाथ सिंह नाम के एक रहते थे सैनिक, और उनकी पदोन्नति हो गई थी, और वैसे भक्त थे महाराज कि वो एक दिन भगवान की भक्ति और संतों की सेवा में नहीं आ पाए। उठे फौजी लेकिन आ नहीं पाए ड्यूटी में, और ज़रूरत उनकी पड़ी। अब वो कथा बहुत बड़ी इसलिए थोड़े कर रहा हूँ। तो वो उस समय उनकी जगह राम जी ने ड्यूटी दी, और जब वो अगले दिन आए और उन्होंने अपने अफसर से माफ़ी मांगा तो अफसर ने कहा कल तो तुम आए थे और तोप तुमने ही चलाई थी, भिनगा राजा की फौज भगाई थी, और तुम कैसे कह रहे हो कि नहीं आए थे? बोले मैं दिखाता हूँ तेरी दस्तखत है, चल देख अपना हस्ताक्षर। रघुनाथ सिंह ने देखा, हस्ताक्षर भी है, ड्यूटी भी की गई है, समझ गए प्रभु राम जी ने मेरी ड्यूटी की है। उसी दिन छोड़ दिया, जा करके वो एक जगह रहने लग गए, और वहीं पर बाद में आश्रम बना, पहले कच्चा बना फिर पक्का बना, और छावनी बन गई, और वो बड़ी बन गई, इसलिए उसका नाम बड़ी छावनी हो गया, और मणिराम दास जी की छोटी थी इसलिए छोटी। भक्तों, ये बड़ी छावनी और छोटी छावनी, अब अयोध्या में जो गए होंगे वही समझ पाएंगे आप। तब छोटी छावनी से बड़ी छावनी की ओर चलो तो बीच में एक तपसी जी की छावनी पड़ती है, और तपसी जी की छावनी क्या है? एक पंजाबी संत आए थे, और उन्होंने वहाँ उस समय सरयू जी बहती थी, रामघाट उस जगह को बोला जाता है, और वहीं सरयू जी किनारे उन्होंने बैठ गए ध्यान लगा करके, जप करके, कहीं जाते नहीं थे। महाराज स्वयं हनुमान जी ने हनुमानगढ़ी में महंत जी को स्वप्न दिया, रामघाट पर एक पंजाबी साधु बैठे हैं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, तुम जाओ मेरा प्रसाद उनको दो। हनुमान जी का प्रसाद आया, और महंत जी ने जब बताया तपसी जी ने कहा अब मेरा उद्धार हो जाएगा। जब हनुमान जी को ही पता लग गया कि मैं अयोध्या में आया हूँ और मेरे ऊपर उनकी कृपा हो गई, फिर तो महाराज छावनी बनी, तपसी जी की छावनी हुई। बड़े सहनशीलता की मूर्ति थे। एक आया उद्दंड स्वभाव का साधु, उसने जटा खींच ली उनकी, खून निकल आया। उनके बहुत चरित्र हैं। तो जिस जा साधु उद्दंड स्वभाव का था, थोड़ा नशा पत्ता वाला था, उसने जब जटा खींच ली तपसी जी की छावनी में, तपसी जी महाराज के
खून निकल आया सिर पर, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी आप भूखे हो, क्या खाओगे बताओ, हम आपके लिए वही ला। साधु दंग रह गए, बताओ जो इनकी जटा उखाड़ दिया उसको हाथ जोड़ के करें क्या खाओगे बताओ। ऐसी सहनशीलता की मूर्ति। उनकी एक कथा मैंने एक बार सुनाया था कि वो शालिग्राम जी महाराज वाली जो उनके बगल में एक संत किया, वो दोबारा नहीं सुना रहा हूं। तो महाराज वो तपसी जी की छावनी वाली बात मैं आपको सुना रहा था, अब वो बात मैं फिर आगे सुनाऊंगा। कनक भवन से जुड़ा हुआ एक उनके चरित्र है, तपसी जी महाराज का एक चरित्र कनक भवन से जुड़ा हुआ अभी सुनाऊंगा। पहले आप पलटू जी की बात सुन लो। पलटू दास जी महाराज वैश्य शरीर के थे, वैश्य शरीर के, और निर्गुणिया निराकारी नहीं थे, सच्चे राम भक्त थे। कहीं सुने हो गलत तो आज से ठीक कर लेना। और वैश्य कुल के ही नहीं थे, हनुमान गढ़ी के बगल में उनकी दुकान थी किराने की, राशन की दुकान। अब आप अयोध्या गए हो तो समझोगे जो मैं बात बताने जा रहा हूं। कनक भवन से हनुमान गढ़ी की ओर चलो तो बीच में रास्ता दो हो जाता है, एक चला जाता है राम जन्मभूमि पर, एक कनक भवन की ओर, एक हनुमान गढ़ी की ओर, तीन रास्ता हो जाता है। तो राम जन्मभूमि की ओर और कनक भवन की ओर जो दो रास्ता जाता है, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा ऊंचा मंदिर है पुराने जमाने का, उसको बोला जाता है बड़ी जगह। बड़ी जगह की बात कल मैं महाराज जी को थोड़ी सी सुनाया, फिर मैंने कहा अब कल सुनाऊंगा, उन लोगों को भी सुनना है। महाराज उसमें तीन आंगन हैं बड़े बड़े, वहां उस समय 30 साधु रहते थे और आज कई सौ साधु रहते हैं, सारी सेवा साधु लोग ही करते हैं। 30 साधु रहते थे। जब आप तीन आंगन पार कर जाओगे तो अंदर जो मंदिर है उसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता माता मांडवी श्रुतकीर्त उर्मिला चारों महारानी चारों महाराज विराजमान हैं, और महाराज छोटे छोटे और भी स्वरूप। उस समय राम प्रसाद दास नाम के एक संत रहते थे और वो सेवा करते थे भगवान। जो कुछ चढ़ावा चढ़ता था, यात्री कम आते थे, चढ़ावा ज्यादा चढ़ता नहीं था, वही चढ़ावा शाम को पलटू बनिया की दुकान में चढ़ावा भेज दिया जाता था कि सेठ जी आज इतना चढ़ावा आया है और ठाकुर जी के भोग के लिए राशन भेज दो। तो जितना चढ़ावा भेजा गया उतना ही वो भेजते थे। वो कहते थे मैं उधार नहीं दूंगा, नगद व्यवहार है हमारा। महाराज एक दिन ऐसा हुआ, पता नहीं कैसा सीजन कुछ खराब हो, हवा ही नहीं चढ़ा। अब भगवान को क्या भोग लगे, 30 साधुओं को भोजन का। अब शाम का बियारू तो बन जाए, जरा साधुओं की बोली मुंह से आ जाती है, बियारू मतलब सायंकालीन भोजन। तो शाम का भोग भगवान का तो लग जाना चाहिए। तो शाम को होते होते एक साधु को राम प्रसाद दास जी ने कहा, जाओ पलटू से बोलना कि मैं बाद में उनका पैसा चुकता कर दूंगा, भगवान के भोग के लिए राशन भेज दें। उस साधु जी गए, पलटू बोला नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरा उधार का कोई व्यवहार नहीं, चढ़ावा जो आता है मैं उसी के बदले राशन देता हूं। चढ़ावा नहीं लाए हो तो राशन नहीं जाएगा। बोले ठाकुर जी भूखे रहेंगे। बोले ठाकुर जी की बात तुम जानो। पलटू ने कहा ठाकुर जी की बात तुम जानो। राधे राधे। हाँ बैठिए, ठीक से बैठिए, सुनिए सावधानी से बैठिए, सावधानी से बैठिए। ऐसी मार्मिक कथा आपको सुनने को नहीं मिलेगी, सारे सब जगह खंगाल डालोगे तब भी जो मैं सुना रहा हूँ आपको। तो हुआ क्या, पलटू दास जी के अनुयायी लोग भी ये बात नहीं बता पाएंगे जो मैं बात। तो हुआ क्या कि पलटू ने मना कर दिया, साधु खाली वापस गया, राम प्रसाद दास जी का दिया महाराज जी, और उसने तो कुछ भी नहीं दिया। अच्छा भैया जैसी ठाकुर जी की इच्छा, सरयू जल पान करके सब लोग सो जाओ, कीर्तन करो, सरयू जल पान करो, सो, आज कुछ नहीं मिलना है, यही प्रभु की इच्छा है। नियम था 10 बजे रात को वो ठाकुर जी को शयन कराते थे, फिर 1 घंटा चिकारा लेकर के, संगीत वाले तो एक दो लोग हैं शायद, संगीत वाले हैं, और चिकारा नाम मैंने ऐसा बोल दिया कि शायद कमी लोग समझ रहे हों। चिकारा मतलब वायलिन बोलते हैं आजकल, हुआ तो जब समुद्र बैठे हैं समझ गए। तो चिकारा लेकर के राम प्रसाद दास जी महाराज
एक घंटा चिकारा बजा के भगवान को भजन सुनाते थे, 10 बजे से 11 बजे तक। अब उन्होंने चिकारा लेकर के एक घंटा भजन सुनाया भगवान को, और भजन तो गा रहे हैं और मन में वही धुन चल रही है कि आज भोग नहीं लगा, आपके भक्त सब भूखे सोएंगे, आप भी भूखे सोओगे, चढ़ावा दिन में हुआ नहीं, मैं क्या करूं बताओ प्रभु, और गाते बजाते रहे, उसके बाद सो गए। महाराज अब घटना क्या घट रही है बड़े आश्चर्य, 12 बजे रात को पलटू का दरवाजा, और पलटू 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 उठो, बच्चों की आवाज आ रही, बच्चे बोल रहे हैं, एक बच्चा नहीं कई कई बच्चे बोल रहे हैं, पलटू उठो पलटू उठो, हम भूखे हैं, पलटू उठो। टू हैरान, उस समय बिजली नहीं थी, बड़ी हल्की सी रोशनी थी, पलटू ने देखा 4 बच्चे के सामने खड़े हैं, 4 बच्चे खड़े हैं और एक पीतांबर चारों ओढ़ के आए, और उस पीतांबर के कोने में थोड़ा वाणी अवरुद्ध हो जाती है इसलिए रुक, उस पीतांबर के कोने में एक पोटली बंधी हुई, और उस बड़े बच्चे ने कहा पलटू ये पोटली खोल करके ले लो और इसको रख लो अपने पास, और बड़ी जगह पर बाबा राम प्रसाद के लिए पूरा का पूरा राशन रोजाना भेजना। दे करके 4 बच्चे चले गए, कहाँ गए कुछ मालूम नहीं। पलटू इतनी गहरी नींद में था लेकिन फिर भी उसने जब देखा कि अरे ये तो प्रत्यक्ष है, सपना नहीं है, वो समझ रहा था अब तक कि सपना मैं देख रहा हूं, बच्चे कहाँ गए, घर से निकल के भागा, चारों तरफ देखा बच्चे कोई नहीं, और पीतांबर हाथ में, और पीतांबर के कोने में पोटली। महाराज जी थोड़ा हमारे मुख्य श्रोता तो महाराज जी हैं, और इधर आइए जिससे मैं आपको भी देख। तो पीतांबर के कोने में जो पोटली बधी थी, चारों बच्चे तो चले गए, पलटू ने पोटली खोली, 1600 चांदी के रुपए, चांदी का 1 रुपया आजकल कितने का होता होगा जानते होंगे आप लोग, बहुत महंगा ना, बताए जोर से बोलो, 800 रुपए का एक सिक्का, 1600 चांदी के 1-1 रुपए के सिक्के थे। पलटू हैरान देख कर इतना धन इकट्ठा, भगा वो जाके दरवाजा, बड़ी जगह के खटखटा रहा है, खटखटा रहा है, बाबा 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 राम प्रसाद दास जी उठो उठो। उन्होंने कहा देखो साधु लोग देखो कौन खटखटा रहा दरवाजा, अरे पलटू आया। पलटू ने 4 बच्चे आपने कौन से भी, किसके बच्चे, पुजारी ने कहा भगवान को जगाने के टाइम हो गए जगाओ, और उधर पुजारी जी मंदिर खोल के चिल्लाते हुए बाहर आए, जो पीतांबर ठाकुर जी को उड़ाया था न जाने कौन लेके भाग गया चोर, वो पीतांबर है ही नहीं, ठाकुर जी उघारे पड़े, ठाकुर जी तो उघारे पड़े हैं और वो पीतांबर लिए खड़ा हुआ है पलटू बनिया, और वो कह रहा है बाबा ये पीतांबर लेकर के कौन आया था, 4 बच्चे आए थे। महाराज इसके कोने में पोटली में 1600 रुपए बंधे हैं, 16 चांदी के रुपए हैं सब, और बच्चों ने कहा कि मैं राशन भेजूं आपके लिए। महाराज मेरी इतनी औकात कहाँ है भेजने की, मेरे संपूर्ण दुकान का सारा माल इकट्ठा किया जाए तो बहुत होगा, 100-200 रुपए का होगा, ये सस्ते जमाने की बात है ना, इतना तो मैं दे ही नहीं सकता हूं। अब राम प्रसाद दास जी देखे पीतांबर और बच्चों की बात सुने, तब तक पुजारी जी पीछे से बोल रहे हैं कि पीतांबर मंदिर से कौन ले गया, बस वो समझ गए अरे ये तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये बच्चे के रूप में गए और पलटू को दर्शन दिया, रोने लग गए। राम प्रसाद दास जी रोने लगे, सारा जीवन मैंने पूजा की, मेरे साथ ऐसी लीला नहीं करते हो, वो पलटू बनिया जो दिन भर अनाज तोलता है उसके साथ जाकर के आपको बात करने में, वो पैसा देने में, सब करने में आनंद आता है, मैं अपने को साधु समझता हूँ, उसको बनिया समझता हूँ, और मुझसे ज्यादा भक्ति तो उसकी आपको पसंद आई। पलटू ने कहा महाराज आप रो क्यों रहे, क्या बात, बोरे पलटू तेरे भाग्य की बड़ाई में क्या करूं, वो बच्चे नहीं थे स्वयं परमात्मा थे, मेरे आश्रम में कहीं बच्चे नहीं, मेरे आश्रम में कोई एक भी बच्चा नहीं है, कोई गृहस्थ नहीं रहता, सब साधु ही साधु हैं, एक भी बच्चा नहीं तो बच्चा मेरे आश्रम से कहां से चला जाएगा,
वो चारों हमारे सरकार थे, वो 1600 रुपए तुझे जो दिए हैं तुझे भाग्यशाली बनाया है। महाराज ले तो लिया उसने पैसा, सारी दुकान का दे करके बोला, महाराज रोजाना आप राशन ले जाइए, इतना दिया है कि वो कमी नहीं पड़ना है। किंतु पलटू को वैराग्य हो, पलटू ने दुकान खत्म कर दी। हनुमानगढ़ी के पास किराना की दुकान थी, पलटू को वैराग्य हो गया। और जो उधर के महाराज जी जानते होंगे गोविंद साहब, गोविंद साहब का नाम सुने होंगे, उधर गोविंद साहब नाम के संत थे, इल्फातगंज गोविंद साहब नाम के एक संत थे, उधर उनसे जाकर के दीक्षा ली और फिर आकर अयोध्या में रहने लगे। राम प्रसाद दास जी महाराज ने कहा, अरे बड़ी जगह में रहो पलटू, भगवान तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुम दूसरी जगह क्यों रहते हो, अपने आश्रम में रहो। बहुत दिन वहां रहे, फिर बोले मुझे तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दीजिए, मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूं। तीर्थ यात्रा करके आए तो पलटू ने भंडारा किया, तो बड़े बड़े आचार्य पंडितों ने, देखो भाई पंडित लोग नाराज मत होना, मैं घटना सुना रहा हूं जो सच्ची है, मैं पंडितों की बुराई के लिए नहीं कह रहा हूं। बड़े बड़े आचार्य पंडितों ने कह दिया, अरे उस बनिया का भंडारा मैं नहीं खाऊंगा, घाट घाट तौल करके पैसा इकट्ठा किया, मतलब गलत तौल करके पैसा इकट्ठा किया, उसका भंडारा नहीं खाऊंगा। किसी ने खाया नहीं, ब्राह्मणों ने भोजन नहीं किया। राम प्रसाद दास जी ने कहा, पलटू बहुत उच्च कोटि का भगवत भक्त है, भगवान उसके दरवाजे पर जाते हैं, भैया पलटू से बोलो कोई खाए चाहे नहीं, हमारे ठाकुर जी के लिए भोग लावे, सब संत खाएंगे। अब देखो भाई मैं आप लोगों के समझने के लिए ऐसे खाएंगे खाएंगे बोल देता हूँ, साधुओं को जरा, साधुओं ने क्या कहा कि प्रसाद हम सब लोग पाएंगे, पलटू से कहो ले आवे, भगवान का भोग लगेगा। तो बीच की भाषा बोलनी पड़ती है, कभी इधर की कभी उधर की। तो महाराज ये बात तो रही पलटू की, बाद में जो कुछ लोग कह देते हैं कि पलटू को जला दिया गया था, वो बात गलत है। पलटू को जलाया नहीं गया था, वो सच्चे वैष्णव हो गए थे और वो वहां से चले गए थे अयोध्या जी से, तो कई झूठे लोगों ने कह दिया। अब मैं राम प्रसाद दास जी की बात मैं बताऊं, थोड़ी सी बता रहा हूं क्योंकि बहुत विस्तार है उसका। राम प्रसाद दास जी को अब विरह का अनल व्याप गया, वियोग की अग्नि भड़क गई कि उम्र निकल गई, आप मेरे सामने खड़े नहीं होते, वो पलटू के सामने जाते हो, आज दर्शन दो नहीं तो प्राण छोड़ दूंगा मैं, और लेके चिकारा। अब संगीत वालों के लिए प्रेरक बात, लेके चिकारा बैठ गए भजन गाने, बोले आज एक घंटा नहीं गाऊंगा, कंठ फट जाए प्राण निकल जाए, दिन बीते चाहे रात बीते पानी नहीं पीऊंगा, अन्न नहीं खाऊंगा, चिकारा ये रुकेगा नहीं, कंठ से वाणी रुकेगी नहीं, भजन कीर्तन बोलते बोलते शरीर छोड़ूंगा, देखता है तब देते हो कि नहीं। महाराज इतनी भक्ति बढ़ी उनकी कि एक ही दिन में चारों महाराज और चारों महारानी आठों उनके सम्मुख खड़े। और राम प्रसाद दास जी बड़ी जगह वाले जो महाराज जी थे वो तो समाधिस्थ हो गए, शरीर उनका संभल नहीं पाया, उतनी भारी शक्ति का यहाँ ठीक संभाल पाए, सबका दर्शन कर सके, मूर्छित हो गए। स्वयं जानकी माता ने अपने गोद में उनका सिर रखा, उस दिन जल्दीबाजी में तिलक किया था क्योंकि ध्यान तो था पलटू के ऊपर, कृपा जो हुई थी उसका कि पलटू के ऊपर कृपा किए मेरे ऊपर नहीं किए, ये ईर्ष्या भी कल्याण करने वाली, तो उस ध्यान में वो तिलक लगाने में, तिलक वाली बात भी आ गई, तिलक लगाने में अगल बगल ये प्रभु का चरणारविंद होता है जो अगल बगल से लगाते हैं, और बीच में जो लगाते हैं ये श्री बोला जाता है, श्री जी, तो कई भेद होते हैं, रक्त श्री, पीत श्री, श्याम श्री, श्वेत श्री, इस तरह से, वो फिर मैं कभी बताऊंगा। तो बीच में श्री नहीं लगाए थे, अब भूल गए थे वो तो बस चिकारा लेके बैठ गए थे। अब जो जानकी मैया ने अपनी गोद में वो मूर्छित से पड़े थे समाधिस्थ, तो जानकी मैया ने अपनी ये अनामिका उंगली रिंग फिंगर, इससे एक बिंदी लेकर के महाराज जी के माथे में ऐसे लगा दिया, और जब वो जगे तो अब वो सब तो अंतर्ध्यान हो गए थे ठाकुर जी, लेकिन उन्होंने उनसे सब संतों ने कहा, बाबा आज कौन सा तिलक लगाए हो,
रोजाना तो सफेद श्री लगाते थे, आज ये बिंदी बताना नहीं चाहते, किसी से भेद नहीं खोलना चाहते। बोले चुपचाप चले आए, सरजू जी सिर्फ चले आए। पुजारी ने कहा बताना पड़ेगा महाराज जी, ये आपको बताना पड़ेगा, ये आज बिंदी कैसे हो गई आपकी और यही लगा रहे हो रोजाना अब। बोले भैया मैं नहीं लगा रहा हूँ, अब तुम पूछ रहे हो तो बता देता हूँ, ये जानकी मैया ने बिंदी लगाई, मेरी यही तिलक हो। अब आप लोग जो साधुओं से परिचित हो जान जाओगे, मणि रामदास जी की छावनी और भी बहुत जगह के संत लोग बिंदी लगाते हैं ना, सफ़ेद बिंदी। इन सब लोगों की बड़ी गद्दी कौन सी है, बड़ी जगह, वही कनक भवन और हनुमानगढ़ी के बीच में, तो जानकी माता का प्रसाद है। अब फिर तपसी जी की छावनी पर आ जाओ। महाराज जी ने पूछा तपसी जी की छावनी की बात। अब महाराज ऐसी बात सुनाने जा रहा हूँ जिसके साथ प्रवचन को विराम दूंगा, बहुत रसमयी कथा है, बहुत रसमयी कथा है। भक्तों साधारणतया हम ये समझते हैं कि जो हमारे ठाकुर जी हैं अर्थात अच्छा अर्चा विग्रह में विराजमान प्रभु, मंदिर में हो चाहे आपके घर में हो, तो कई लोग सुनी सुनाई बात बोलते हैं, जैसी तुम्हारी भक्ति होगी जैसा भाव होगा उतनी कृपा करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बात गलत है, सही भी है, लेकिन अब जो बात मैं सुनाने जा रहा हूँ उसमें इससे हजारों गुना आगे की बात है। जितनी आपकी भक्ति है उतना भगवान कृपा करेंगे। एक 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 व्यक्ति की बात हुई ना, जैसे मंदिर में ठाकुर जी हैं, अब एक आदमी की भक्ति बहुत ज़्यादा है तो उसके ऊपर कृपा करें, लेकिन यदि केवल इतनी सीमा भगवान के लिए होती तो आगे की जो बात सुनाऊंगा उसमें सामूहिक कृपा कैसे करते हैं, सामूहिक कृपा। ये आज से 50 वर्ष पहले की घटना है, मुझे घड़ी बार बार देखनी पड़ती है कि समय में ही पूरा, 50 वर्ष पहले कनक भवन की घटना है, तपसी जी की छावनी के महाराज तपसी जी की बात। उनका नाम था रामदास जी तपसी, उनका नाम था रामदास जी तपसी, तपस्या ज़्यादा किया था इसलिए संतों ने तपसी नाम रख दिया था, वैसे नाम था रामदास। वो कनक भवन में दर्शन करने जाते थे, फिर हनुमानगढ़ी आते थे, फिर अपने आश्रम। अब ये बाद वाली बात मैं एक सुना देता हूँ कि कनक भवन के ठाकुर जी ने कह दिया कि मत आया करो, थक बहुत बूढ़े हो गए, मैं वहीं दर्शन दूंगा। महाराज जब तक निभ रहा है, अब अभी एक कथा इसके पहले की सुनाऊंगा आपको। एक बड़े से शालिग्राम जी थे उनके पास, तो शालिग्राम को स्नान करा रहे थे, चल फिर पाते नहीं थे, बहुत बुढ़ापे की बात है, तो शालिग्राम जी महाराज दो टुकड़े में विभाजित हो गए और बीच से कनक भवन बिहारी प्रकट। बोले अब तो माने, अब मैं आ गया ना तुम्हारी थाली में, चल पाते नहीं हो, काहे को भटकते हो, अब यहीं रहो। ये बहुत बुढ़ापे की बात है। अब इसके पहले की घटना सुनो, 50 साल पहले वाली बात जो मैं बता रहा हूँ। कनक भवन में आप लोग दर्शन करने गए होंगे, वहाँ ठाकुर जी कितने हैं नहीं बता पाओगे आप लोग। हाँ महाराज जी ने बिल्कुल सही बता दिया, मैं नहीं समझ रहा था कि महाराज जी ने इतना ध्यान से देखा, मैं नहीं समझ रहा था कि इतना ध्यान से दर्शन किया है, तो बिल्कुल ठीक बताया महाराज जी ने। 6 स्वरूप, एक सीताराम जी सबसे बड़े, उनको कहा जाता महल बिहारी, महल बिहारी, और उनसे जो थोड़े से छोटे वो झूला में निकाले जाते हैं वहीं भव कनक भवन के अंदर ही, उनको कहा जाता कनक भवन बिहारी, और उनसे छोटे छोटे बित्ता भर के जो हैं उनको कहा जाता है मणिकूट बिहारी, वो मणि पर्वत पर झूला में या नाव का यात्रा हो वहाँ पर पहुँचाए जाते। तो बीच वाले जो हैं कनक भवन बिहारी। रोजाना रात को जब मंदिर बंद होने को होता है तो उस समय मिश्री पिसी हुई दूध में डालकर, गौ माता का दूध उसमें पिसी हुई मिश्री डाल के कनक भवन बिहारी को भोग लगता है और पुजारी जी वो भोग अपने घर ले जाते हैं। अब आप बहुत सावधानी से सुनना, पुजारी जी महाराज का छोटा सा बच्चा, शायद वो अभी जिंदा होंगे, 50 साल पहले की बात है वो, तो उस छोटे से बच्चे को खुजली हो गई थी, ज़्यादा खुजली हो गई थी। किसी ने बताया कि खुजली इनकी दूर कर, बच्चे की खुजली दूर करने के लिए नीला थोथा आप लोगों ने सुना होगा, केमिकल नेम है उसका कॉपर सल्फेट, और देहाती और नाम है तूतिया, तीन नाम मैंने बता दिया, पंसारी लोग तूतिया बोलते हैं और नीला थोथा भी बोला जाता है और कॉपर सल्फेट भी बोला जाता है।
यह जहर होता है, तो उसको लाओ और उसको पीस करके और नारियल के तेल में मिला करके और लगा दो तो खुजली 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। तो पुजारी जी बड़े दुखी थे बच्चे की खुजली से, तो उन्होंने नीला थोथा जाकर खरीद लाए, शाम को खरीदे और फिर ठाकुर जी की सेवा में लग गए। पीस डाला, पीस करके उसको एक कटोरी में रख लिया और महाराज हुआ क्या कि फिर भूल गए वो। रखा कहाँ कटोरी को? मंदिर के दरवाजे के ऊपर जो बना हुआ था आला सा रखने का, इधर आला बोलते उधर ताखा बोलते, उस पर रख दिया। और वहीं पर मिश्री का डिब्बा भी था, बड़ा कटोरा जिसमें मिश्री पिसी हुई रखी थी भगवान के रात के भोग के लिए, दूध में डाली जाती थी। अब ठाकुर जी की सेवा में लगे हैं। रात को जब मंदिर बंद होने को हुआ तो कनक भवन बिहारी को वो मिश्री डली हुई और दूध का भोग लगने वाला। अब महाराज थोड़ा सा ध्यान उनका इधर उधर था, परेशानी में थे, घर में रिश्तेदार आ गए थे, रिश्तेदारों की ओर मन चला गया और उसी जल्दीबाजी में उधर ऊपर देखा ही नहीं और नीला थोथा पिसा हुआ दूध में डाला और भगवान मिश्री नहीं नीला थोथा और भोग लगा करके ठाकुर जी की कृपा देखो, नहीं तो बेटा मर जाता चाहे खुद मर जाते। ठाकुर जी की कृपा देखो कि वो मंदिर बंद करने में गिलास वहीं रख कर घर ले जाना ही भूल, गिलास को घर ले जाना ही भूल गए और मंदिर बंद करके चले गए। अब फिर आ जाओ तपसी जी की छावनी पर, एक कनक भवन की बात सुना रहा था। तपसी जी महाराज जो रामदास जी तपसी थे, मैं वृंदावन की बात तो बहुत सुनाता हूँ, आज अयोध्या जी में पहुंच गया हूँ। तो तपसी जी महाराज कनक भवन बिहारी को छोटा भाई मानते थे, क्या मानते थे? छोटा भाई, और अपने को बड़ा भाई। तपसी जी महाराज अपने को बड़ा भाई मानते थे और तब कनक भवन बिहारी ठाकुर जी को राम जी को छोटा भाई, और जाके बोलते थे ए कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मंदिर में जाके बोलते थे कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, कोई भक्त परेशान करे दुख दे चुप नहीं रहना बता देना। अब महाराज क्या घटना घटती है, भक्तों के भावानुसार प्रभु की लीला। सब लोग पुजारी जी सो गए कनक भवन बिहारी वाले अपने घर में, मंदिर बंद हो गया। इधर तपसी जी की छावनी सब साधु सो गए, तपसी जी स्वयं सो गए। तपसी जी की रजाई जोर से खींचा, चौंक के बैठे, सामने देखा कनक भवन बिहारी खड़े हो गए। तपसी क्या बात है? बोले भैया, ये कनक भवन बिहारी बोल रहे हैं, भैया आज हमको जहर पिला दिया है, पुजारी जी ने जहर पिला दिया, बड़ी गर्मी चढ़ गई, पूरा शरीर फटा जाएगा गर्मी से, कुछ ठंडाई पिलाओ। वो ठंडाई इकट्ठी करने लग गए, सब साधुओं को जगाया, अरे उठो उठो, बेल का मुरब्बा कहाँ है, आंवले का मुरब्बा कहाँ रखा है, नींबू की शिकंजी बनाओ और गुलकंद कहाँ रखा है, जल्दी जल्दी शरबत घोलो, ठंडाई तैयार करो ठाकुर जी को, अरे देखो ठाकुर जी को जहर पिला दिया पुजारी ने, जल्दी से ठंडाई ले चलो। महाराज भगवान तो वहाँ अंतर्धान हो गए तपसी जी को बताकर। और इधर बड़े बड़े मटके, बड़े बड़े मर्तबान और घड़े और तमाम बर्तन भर भर करके नींबू की शिकंजी और बेल का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा और ये गुलकंद और ठंडाई खूब तैयार हुई फटाफट फटाफट, साधु लोग ले लेके कंधे पर कोई सिर पर, और तपसी जी की छावनी से कनक भवन की ओर चल पड़े। आगे आगे महाराज तपसी जी और सब सीताराम सीताराम बोलते जा रहे हैं और पूरी साधुओं की लाइन जा रही है कनक भवन। आधी रात की बात, आधी रात से थोड़ा टाइम ज़्यादा बीत गया था और जा कनक भवन तो बंद था। अब महाराज पुजारी जी का दरवाजा खटखटाया साधुओं ने और साधुओं की कीर्तन की आवाज़ सुनाई पड़ी। पुजारी जी चौंक के बैठे, क्या बात, अरे महाराज जी तपसी जी महाराज, तपसी जी महाराज आए छावनी वाले, अरे इतने साधु लोग कहाँ चले आ रहे हैं आप लोग, इस सिर पर और कंधे पर क्या रखे हैं? अरे पुजारी तुमने ठाकुर जी को आज प्रभु को राम जी महाराज को तुमने जहर पिला दिया, हम लोग ठंडाई लेके आए हैं, गर्मी चढ़ गई उनको,
उनको ठंडाई से नहलाएंगे, ठंडाई पिलाएंगे, बहुत गर्मी चढ़ गई, पूरा शरीर जल रहा उनका। बोले ऐसा कैसे हो गया महाराज, ऐसा तो कुछ भी नहीं, मैंने तो दूध का भोग लगाया। अरे तुमने दूध का भोग नहीं लगाया, तपसी जी ने कहा दूध में तुमने जहर मिला दिया है। अब पुजारी को याद हुआ, अरे मिश्री के कटोरा के बगल में वो नीला थोथा का भी कटोरा था, लगता है वही मिला दिया मैंने। चलो चलो मंदिर खोलते। बिना समय के मंदिर खोला गया। आगे आगे पुजारी जी, तपसी जी, पीछे 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 साधु लोग, सब ले लेकर के शरबत ठंडाई सब लेकर के वहाँ घुसे मंदिर में। और महाराज जब पर्दा हटाया है और पुजारी जी ने देखा है कनक भवन बिहारी को, चिल्ला करके गिर पड़े धरती पर। जो लोग दर्शन किए हो समझ जाओगे, कनक भवन बिहारी जो बिल्कुल गौर वर्ण के हैं, एकदम काले। कनक भवन बिहारी आप लोगों ने दर्शन किया, एकदम गौर वर्ण के, एकदम काले, पूरे के पूरा शरीर उनका काला। पुजारी जी रोने लगे, हाय क्या करें, ये तो विष फैल गया है महाराज, अब क्या किया जाए। छावनी की तपसी जी पूछा, अब क्या करें हम लोग। बोले तुम पूछो ठाकुर जी से, ये गए थे मेरे पास और जाकर के कहा है कि भैया जहर पिला दिया मुझे और शरीर जल रहा है, तब मैं आया हूँ, अब तुम पूछो क्या किया जाए इनके लिए, मैं तो ठंडाई लेके आया हूँ और क्या करना पूछो। बोले महाराज इनको बताना होता तो आपके पास क्यों जाते, मुझसे बताना होता है तो मैं मुझसे बता देते, आपके पास क्यों जाते, आप ही पूछो, पर्दा लगाओ। पर्दा लगा दिया, क्योंकि भगवान अर्चा विग्रह में है ना, सबके सामने बोलेंगे नहीं, मुझसे बोलेंगे, पर्दा लगाओ। पुजारी जी ने पर्दा लगाया, तुम भी बाहर चले जाओ। तपसी जी ने कहा, लाला प्रेम की भाषा, लाला जहर बहुत फैल गया है, अब तू ही बता दे मैं क्या। बोले भैया वो दूध जो भोग लगाया गया था ना, यही आले में रखा है, आले में ताखे में रखा है, यदि कोई उस दूध को पूरा पूरा पी जाए तो मेरा जहर उतर जाए। दूध रखा है, थोड़ा पिया मैंने, राम जी कह रहे मैंने थोड़ा सा पिया है, पूरा दूध रखा गिलास में भरा हुआ, कोई पूरा पी जाए तो मेरा जहर उतर जाएगा। तपसी जी की छाव, तपसी जी छावनी महाराज के, तपसी महाराज की बात भक्ति समझो, धीरे से बोले किसी से मत कहो मैं पी ले, ऐसी भक्ति थी महाराज छावनी के, महाराज जी जे रामदास जी तपसी जी। बोले लाला किसी से मत कह, मैं पी लेता हूँ पूरा दूध, मरना ही तो होगा, मर जाऊंगा, तेरी जलन तो मिट जाएगी, सारी पीड़ा तो खत्म हो जाएगी, तू कह रहा है कि दूध पूरा पी जाए तो तेरा जहर उतर जाएगा, तो पूरा दूध मैं पी जाता हूँ। राम जी ने कहा नहीं 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 नहीं, तुम नहीं पियोगे, बाहर निकल आए। बोले पुजारी जी राम तो ऐसे कह रहे हैं कि ये पूरा दूध कोई पी जाए तो जहर उतर जाएगा, और मैंने कहा मैं अपने लिए तो मुझे मना कर दिया। महाराज ये भगवान काले पड़ गए हैं, जहर पिला दिया गया है, विष चढ़ गया है, ये विद्युत गति से समाचार फैला रात ही रात, और सारी अयोध्या के साधु इकट्ठे हो गए और कनक भवन से लेकर हनुमानगढ़ी तक पूरा मैदान भर, उसमें गृहस्थ लोग भी थे, और सब एक स्वर से बोले आज कलयुग की घटना है, यह सतयुग की बात नहीं है। हजारों आवाजें आई, मैं पीऊंगा मैं पीऊंगा, लाओ मुझे दो मुझे दो, एक दो नहीं तमाम आवाजें उठी। संतों ने गृहस्थों ने कहा वो दूध मुझे पिला दो, मरना होगा तो मर जाऊंगा, कनक भवन बिहारी स्वस्थ हो जाए, मेरे ठाकुर जी स्वस्थ हो जाए, जहर उतर जाए, उनका जलन दूर हो जाए। अंदर गए, तपसी जी ने अंदर जाके कहा लाला जितनी पब्लिक आई सब पीने को तैयार है, अब क्या करें बता, सब दर्शन करने को लिए बोल रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसे में दर्शन कराना चाहोगे मुझे, नहीं 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 कराऊंगा। बोले भैया दर्शन नहीं कराएंगे, हमारे राम जी मना कर रहे हैं। ऐसा है अभी मैं बताता हूँ, उसी से पूछता हूँ। राम जी से पूछा, प्रभु क्या करूँ आप बताओ, अब मेरे लिए तो आप मना कर रहे हो, अब ये कौन पिएगा। तो बोले 5 मन दूध मंगाओ, 200 लीटर 5 मन दूध मंगाओ। महाराज दूधिया ऐसे दौड़े
जैसे न जाने कितनी कीमत मिल रही है, पैसा नहीं चाहिए, मेरा दूध लो। कितनी भक्ति अयोध्या वासियों के, तुलसी तब कैसे अजहु जानिए रघुबर नगर बसैया। तुलसीदास जी ने लिखा है, शायद विनय पत्रिका में है, तुलसी तब कैसे अजहु जानिए रघुबर नगर बसैया। राम जी के नगर अयोध्या में जैसे भक्त पहले दूधिया लोगों ने दूधिया मतलब दूध बेचने वाले ग्वाले लोगों ने पैसा लेने को मना कर दिया। प्रभु की सेवा में मुझे पैसा नहीं लेना, दूध ले जाओ। 200 लीटर दूध मंगाया, वो जहर वाला दूध उसी में घोल दिया गया, पूरा मिला दिया गया। भगवान कनक भवन बिहारी ने तपसी जी महाराज से कह दिया, एक एक आचमन दो, सबको बांट दो, सब लोग पी जाएंगे, जहर किसी को नहीं चढ़ेगा और मेरा जहर उतर जाए। महाराज सारा दूध बट गया और जैसे जैसे बार बार अंदर जा रहे हैं, तपसी जी बार बार अंदर जा रहे हैं, अब देखिए क्या हाल हो रहा है। आकर के कहते हैं, पुजारी जी ठीक हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, अब पिलाओ सबको, जल्दी बांटो, लग जाओ सब साधु। और बटता जा रहा है दूध, इधर काले से जो हो गए थे ठाकुर जी वो सफ़ेद होते जा रहे, गौरवर्ण के होते जा रहे महाराज। और पूरी कढ़ैया जो 5 मन दूध था ना, 200 लीटर सब खाली हो गई। भक्तों एक छोटी सी गलती रह गई, क्या गलती रही? जब कढ़ाई का दूध खत्म हुआ, कढ़ाई हटा दी गई, उसको सरजू जल डाल करके धो करके पिया नहीं गया, थोड़ा सा दूध उसमें लगा रह गया। अब कनक भवन जाओगे तब पता पाओगे जो बात मैं बताने जा रहा हूँ। कनक भवन बिहारी का संपूर्ण शरीर गौरवर्ण का हो गया, एक हाथ की हथेली में थोड़ा सा काला रह गया आज भी, और उस पर मेहंदी लगा करके ढका जाता है, मेहंदी लगा करके, चंदन लगा करके उस छोटी सी काली माँ को ढक दिया जाता है। भक्तों अब आप विचार करो, सब लोगों के ऊपर कनक भवन बिहारी ने कृपा की, ऐसे हमारे मंदिर के ठाकुर जी हैं, इसलिए हमारे मंदिर के ठाकुर जी परम कृपाल हुए। 1 घंटा से ज़्यादा समय हो गया, आप भक्ति भाव के साथ गुरु प्रदिष्ट मार्ग से भक्ति करिए, साधना करिए, संपूर्ण कृपा के पात्र बन जाओगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।